ताकि ग्राम्स में भी आपको पता चल जाए। ये हो गया 4.5 टेबल स्पून, 40 ग्राम बन गया। हाथ रहेंगे, इसको मैं पाउडर फॉर्म में ले आऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिलसिला हमने रमजान शरीफ में रेसिपियों का शुरू किया हुआ था वो हमने और बढ़ा दिया है। आप लोगों तक रेसिपियां पहुंचाने का जो है ना, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों तक जो रमजान शरीफ की रेसिपियां पहुंचाएं, ताकि आप लोग सहरी में, इफ्तारी में उसको इस्तेमाल कर सकें। बहुत जबरदस्त रेसिपी लेके आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ, गर्म मसाले की रेसिपी। गर्म मसाला मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ स्टाइल से लोगों ने बनाया है, लेकिन वो कहते हैं जी एक सीक्रेट मसाला है। कोई सीक्रेट नहीं है भाई, सब चीजें अल्लाह ताला की पैदा करता है। मैं आपको बताता हूं कि ये मसाला तैयार किस तरीके से होता है, आप घर में ट्राई करेंगे तो बहुत कमाल का टेस्ट निकलेगा इंशाल्लाह। ये ले व्यूअर, मैंने ये डिजिटल जो है ना ये रख लिया यहां पे स्केल, और इसको मैं यहां पे ये देखें, आपको मैं टेबल स्पून में भी बताने लगा हूं, ग्राम्स में भी बताने लगा हूं। सबसे पहली चीज जो है ना वो जीरा है हमारे पास, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टेबल स्पून जीरा। ये देखें यहाँ पे 36 ग्राम हो गया, अब मैं इसको 40 ग्राम करूँगा, ये देखें, ताकि ग्राम्स में भी आपको पता चल जाए। ये हो गया 4.5 टेबल स्पून, 40 ग्राम बन गया। ये पैन मैंने रखा हुआ है, इस पैन में यहाँ पे डाल दें। ये सबसे पहला चीज़ हमारी जीरा शामिल हुई। ये मेरे पास है खुश्क धनिया, ये देखें, ये 1 और ये 1/2, बस ये 6 ग्राम 1.5 टेबल स्पून बनेगा। इसको यहाँ पे रख दें। ये लें जी, ये दालचीनी है, ये दालचीनी इसमें डालते हैं। इसका वज़न मेरा ख्याल है इसमें नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कम उसमें है। तो ये देखें, ये 3 से 4 टुकड़े ये दालचीनी के हैं, इतनी है बस। ये शामिल कर दें पैन में। ये मेरे पास काली मिर्च है साबित, ये 1 और ये 2 टेबल स्पून। ये हमने 20 ग्राम चाहिए, हमें 2 टेबल स्पून लेंगे तो ये 20 ग्राम बन जाएगी। ये देखें, ये शामिल कर दें यहाँ पे। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, जब आप अपने खाने के ऊपर डालेंगे आप कहेंगे वाकई ये ऑथेंटिक रेसिपी है, इंशाल्लाह मैं आपको बताने लगा हूँ। ये मेरे पास जायफल है, ये देखें इस शक्ल में ये जायफल होता है। इसको मैंने तोड़ लिया, ऊपर से छिलका इसका रिमूव कर दिया, ये 2 इसके इस तरह के मैंने बीज निकाल लिए, ये हमें चाहिए जायफल के, ये इसके अंदर डालने लगा हूँ। इसका भी कोई वज़न नहीं बना, देखें। इसके साथ ये मैं बादियान के फूल डालने लगा हूँ। ये तकरीबन अगर आप देखें तो 3 अदद फूल बनते हैं ये। अगर आप कोशिश करें जो कचरा टाइप टूटे हुए हैं वो आप इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, ये डालने लगा हूँ, ये 9 ग्राम हो गए। ये जवत्री है मेरे पास, ये देखें, ये शक्ल में होती है, ये देखें कितनी जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये बस ये 10 ग्राम बन गया, जायफल, जवत्री और ये बादियान के फूल, पत्थर के फूल भी इसे कुछ लोग कहते हैं, बादियान के फूल भी कहते हैं। ये 10 ग्राम टोटल वजन बन गया, ये इसके अंदर यहाँ डाल दें। अब इसके अंदर जाएगा ये तेज़पात है मेरे पास, ये देखें, ये 3 अदद तेज़पात डाल दें, ये देखें 3 अदद हैं, ये इसके अंदर शामिल कर दें। अब इसके अंदर जाएगी ये लौंग है, ये देखें, ये 1 टेबल स्पून, 8 ग्राम, ये देखें 1 टेबल स्पून बनती है 8 ग्राम, ये इसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास है बड़ी इलायची, अगर मैं पहले टेबल स्पून में भी आपको बता दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, 8 ग्राम बड़ी इलायची जाएगी, ये देखें। ये चीज़ें जो है ना, इनको मैं हल्का सा जो है ना रोस्ट कर लूँगा, हल्का सा इन चीज़ों को। बकाया मैंने जो चीज़ें रोस्ट नहीं की उसके अंदर छोटी इलायची है, ये रोस्ट नहीं होगी। अगर आप रोस्ट करेंगे ये अपना फ्लेवर लेके नहीं आएगी, ये जहन में रखिएगा। ये मैंने रोस्ट नहीं की, और ये 2 चीज़ें क्या हैं ये भी मैंने रोस्ट नहीं की, ये मैं आपको बताता हूँ ये 2 चीज़ें क्या हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लें जी फ्लेम ऑन कर दें, इसको 1 से 1.5 मिनट रोस्ट कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ये लो वीवर, ये एक से डेढ़ मिनट बस, हमने जलाना नहीं है इन्हें, एक से डेढ़ मिनट, थोड़ा सा ये ऐसे गर्म हुआ क्योंकि मेरा पैन बहुत वजनी है और जब मैं इसको गर्म करता हूँ तो ये बंद करता हूँ फ्लेम तो दो मिनट ये वैसे ही गर्म रहता है। इसको हल्का सा मैंने बहुत प्यारी खुशबू आने लग गई है। ये हमारे साथ कुछ मोहब्बत करने वाले दो तीन दोस्त हैं, मंजूर इलाही हरिपुर से हैं, मरियम हैं और उनका बेटा हसनैन है लाहौर से, अब्दुल वहीद लैया से हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली रावलपिंडी से हैं। आप तमाम को मेरा सलाम पहुंचे, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। अब देखें करना क्या है, कोई सीक्रेट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि रेस्टोरेंट पे असल होता क्या है, जिसको वो सीक्रेट का नाम दिया जाता है वो चीज़ क्या है असल, मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं ग्राइंड करने लगा हूँ इसमें डाल के, ये देखें इसको मैंने पाउडर फॉर्म में लेके आना है। ये देखें जी इसमें डाल दिया, ये मेरे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या उर्दू में आप समझ लो कि तबाशीर, सादी अल्फाज में तबाशीर इसको कहते हैं। ये इस्तेमाल होता है तेजाबियत ख़त्म करने के लिए, ये यूज़ होता है मिसालों में। ये देखें ये तेजाबियत नहीं होने देता, ये मैंने दो पीस इस शक्ल में होता है, दो पीस इसमें डाले बस। ये मेरे पास है सिलिका पाउडर, ये देखें ये इतना सा है, एक चुटकी से भी थोड़ा है। ये इस्तेमाल होता है कि ये नमी नहीं आने देता गर्म मसाले में मेरी तरफ कर। देखिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, ये जो सिलिका पाउडर मैं इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ इसका फंक्शन ये होता है मिसालों में कि मिसालों को नमी नहीं आने देता। जो लोग कारोबार करते हैं या देर तक इसको रखना चाहते हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं, वो सुन लें, सिलिका पाउडर जाता है। ये मैंने एक चुटकी डाली, ये सारे में जितना मैंने आपको वजन बताया एक चुटकी है इसमें डाल दिया, और दो पीस मैंने इसके डाले सिर्फ सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, तबाशीर के। ये आपको जलन पैदा नहीं करता। इसको यहाँ पे रखें, इसके बाद क्या चीज़ शामिल होगी आप मेरे साथ रहेंगे। इसको मैं पाउडर फॉर्म में ले आऊं, मुझे दो से तीन मिनट लगेंगे फिर मैं आपसे मिलता हूँ। छोटी इलायची देखें थी, तकरीबन 10 अदद छोटी इलायचियाँ थी, ये मैं डालनी भूल गया था, इसमें इस टाइम मैं डालने लगा हूँ 10 अदद छोटी इलायचियाँ बस। बकाया इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगा मैं बाद में, आप मेरे साथ रहेंगे। इसको मैं ग्राइंड कर लूँ पाउडर फॉर्म में, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और ये हैवी मशीन थी इसने उसको इस फार्म में ले आया। ये देखें मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाऊं, ये इस फार्म में आ गया गरम मसाला। ये देखें इस तरह का मैंने इसको पीस लिया पाउडर फार्म में, मुझे इस तरह का चाहिए था। अगर आप इसको मज़ीद बारीक करना चाहते हैं तो फाइन पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप इसको छान लें फिर इसको ग्राइंड कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना मैंने कर लिया ये काफ़ी है। अब एक सीक्रेट चीज़ है जो लोग कहते हैं जी ये सीक्रेट मिसाला है, फलां की जगह पे आपने कढ़ाई खाई गर्म मसाला डाला, या जो भी अपने खानों को आप अगर टेस्टफुल बनाना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ हम रेस्टोरेंट में डालते हैं। ये अचार गोश्त मिसाला है, मेरी बात को समझा करें, जो भी रेस्टोरेंट वाले कारोबार करने वाले मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं वो समझते होंगे। ये 1 टेबलस्पून अचार गोश्त मिसाला किसी भी ब्रांड का ले लें, इसमें के अंदर शामिल कर दें, शामिल करके इसको ग्राइंड कर दें। ये देखें ये है इसका सीक्रेट, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, आप ट्राई करें इंशाल्लाह। जो लोग सीरियस होके कारोबार करना चाहते हैं, अपनी अपना और अपनी फैमिली का कुछ फ़ायदा करना चाहते हैं तो बाबा फूड RRC को देखें, आपको हम मायूस नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग कारोबार शुरू कर चुके हैं, ये इस फार्म में आ गया, देखें सुभानअल्लाह भाई मेरे आप बनाएं, ये है सीक्रेट। कोई सीक्रेट नहीं होता भाई मेरे, बाबे ने सारियाँ गल्लां दस देनियां ने, आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें घर में बनाएँ और देखें ये कैसा तैयार हुआ है। इसका मैं बताता हूँ ये वजन कितना बना है, ये देखें कितना वजन आया रामे, 115। ये लो जी ये 115 ग्राम बन गया है। ये मैंने आपको सारा तरतीब से सेटिंग से सीक्रेट बातें, भाई कुछ सीक्रेट नहीं है, इलम बांटने के लिए होता है। अगर आप लोग अब तक बाबा फूड RRC से जुड़े हुए हैं और कुछ सीख रहे हैं तो मेरा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे और आप कामयाब भी हो सकते हैं, जहन में रखिएगा इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अल्लाह हाफिज़।